हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉल फाइंडिंग गेम। ये मुझे एक कुरियर से रिसीव हुआ है, ये मदरबोर्ड एसर का, ठीक है। नंबर देख सकते हो, LJ861P। ओके, तो इसका क्या स्टोरी है मैं बता देता हूँ। कस्टमर का जो कहना है, ये मदरबोर्ड किसी ने ड्रॉप कर दिया। ओके, ड्रॉप करने के बाद से ये नो पावर में चला गया और मेरे पास आया तो मैंने देखा यस ये नो पावर है। तो देखो, काम का ज़्यादा प्रेशर है इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा नहीं करता, बट आज जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद आप सभी को एक टूल्स आप ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और ये टूल्स ऑर्डर करेंगे, ठीक है, मेरा गारंटी है। मैं नहीं बोलूँगा आपको ख़रीदने के लिए, बट आप ही ख़रीदेंगे, ठीक है, इतना यूज़फुल वो है, समझो। सो ये केस तो मैंने चेक किया, क्या हो रहा है, 19 इन हो रहा है, 3-5 का 5 बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है। इस बोर्ड में ऐसा ही होता है, और पहले किसी जगह दिखाया था उसमें बायोस छेड़ दिया है, बायोस, और बायोस का उल्टा लगाया है। इसके वजह से क्या हुआ, जो VCC है वो शॉर्ट हो गया, 3 का IC पूरा ख़राब हो गया, इसका LDO भी ख़राब हो गया, इसका कॉयल वाला वोल्टेज भी बंद हो गया। कॉयल इसका ट्रिगरिंग के वे पे बनता है, तो मैंने क्या किया, पहले इस IC को रिप्लेस किया। ये SY का IC था, SY8288, ओके, देख सकते हो, इसे रिप्लेस किया तो मदरबोर्ड ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैंने देखा नो डिस्प्ले, ये 1.6 एम्पियर पे जाता है, जाके स्टक कर जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ DSO ऑन है, मैंने सब कुछ इधर पे रैम स्लॉट पे सब कुछ चेक कर लिया, मैंने इसका डेटा वगैरह चिप स्लेट वगैरह चेक कर लिया। इधर पे जो ये वाला HQ7 लिखा हुआ है, ये हमारा SDSCL लाइन का कम्युनिकेशन का है, ये भी मैंने चेक कर लिया, तो सब कुछ सही है। देख के क्या लग रहा है, रैम नॉट डिटेक्टेड है, CPU का इम्पीडेंस भी सही है, ठीक है। तो जो मैं टूल दिखाने वाला हूँ वो है ये है डिम टेस्टर। आपको बहुत टाइम मैंने बोला है, भाई आपने देखा है रैम स्लॉट ओके है कि नहीं, तो ये दोनों स्लॉट में से ये देखो एकदम साफ लग रहा है, राइट, बट ये साफ नहीं है, देखो कैसा काला काला गंदा होके पड़ा है, ठीक है, देखो कैमरा में भी आ रहा है, राइट। बट अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मज़ेदार चीज़, वो है ये, इधर से कनेक्ट किया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, देखो कितना सारा LED जला नहीं, देख सकते हो, ओके, तो ये स्लॉट का दिक्कत है, कोई लाइट जल रहा है नहीं जल रहा है, और हो सकती है ये लाइन CPU से मिसिंग हो गया, बिकॉज ये गिरा है ना। बट अगर मैं इस साइड लगाऊंगा, ये साइड, इधर पे देखो 3 LED है, ओके, इधर पे 3 LED, 1, 2, 3, ओके, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको, ये 3 LED आपका 10th generation में नहीं जलेगा, 4 आपका जो 6th-7th generation है, 8th generation तक आपका ये 3 LED जलेगा, ठीक है, ओके, ये देखो ये 3 LED जलेगा, बट 10th generation में ये 3 LED नहीं जानता जलता है। बट देखो इधर पे देखो, 1 LED बंद है, ओके, जो लिखा है DQ2 दिख रहा है, ये DQ2 वाला LED बंद है। तो अभी इसके साथ आपको एक ऐसा ये मिलेगा, ऐसा एक PDF मिलेगा, ठीक है, PDF का एक कॉपी, ठीक है, इसके साथ ही मिलेगा, ये कार्ड के साथ, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे DQ2 दिख रहा है, DQ2 देखो पिन नंबर 20 है, राइट, हो गया। अभी जल्दी जल्दी आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो देखो, इधर पे आ जाओ, इधर पे मेरा जो पिक्चर है इससे मैंने सब कुछ चेक कर लिया। तो अभी ये पिन नंबर 20 है, देख सकते हो 20 पे मैंने रखा है, ये किधर से आ रहा है, डायरेक्ट CPU से आ रहा है, राइट, CPU का इस साइड में ये पिन से आ रहा है, देखो ये पिन से पिन नंबर 20 कनेक्ट है, और किसी भी जगह नहीं जा रहा है, देखो बैक साइड भी नहीं जा रहा है किसी भी जगह, फ्रंट साइड भी नहीं जा रहा है। अब एक मैजिक देखो, ओके, मैं ये लाइट ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है अभी एकदम क्लियर, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा दिखाई दे, राइट, देखो ये लाइट नहीं जल रहा है, ये 3 बंद है, ये 3 बंद ही रहेगा, बट इसे जलना चाहिए। अभी मज़ा देखो, इधर पे मैंने दिखाया वो लाइन आ रहा है, देखो इधर पे मैं प्रेस किया, ये देखो जल गया, ये जल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हिलने के वजह से इसका अंदर से ट्रैक टूट गया, इसके वजह से ये नो डिस्प्ले में है मदरबोर्ड राइट नाउ। जस्ट इसे BGA पेज देके ये सब हटा के रिफ्लो करना है,
ठीक है, बीजीए मशीन से जब भी आप करोगे ये लग जाएगा प्रॉपरली, इसका डिस्प्ले भी आउट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं दिखाना चाहता था, ये टूल कितना हेल्पफुल होता है। आप बायोस करते जाओगे आपको लगेगा बायोस का प्रॉब्लम है, बट मैं थोड़ा सा देखा तो मैं समझ गया ये बायोस का प्रॉब्लम नहीं है। बायोस हमने जो मेरे पास टेस्टेड होके था तो मैंने डाला, नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। इसके बाद सब कुछ ट्रैक किया, जो भी इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस होता है, स्विचिंग होता है, जो भी कन्वर्शन होता है, सब कुछ ओके है। स्लॉट में भी जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज रेल्स होता है वो ओके है, बट डीक्यू का डेटा मतलब सीपीयू जो कम्युनिकेशन होता है रैम का वो मिसिंग है। तो एक पिन के वजह से पूरा मदरबोर्ड डेड पर गया। ठीक है, अगर ये बोर्ड बन जाता है, अगर सीपीयू देखो बीजीए मशीन से अगर आप इसे बना दोगे उसके बाद भी सीपीयू अगर आपका बचा होगा, ठीक है, तो ही आपका ये बोर्ड रेडी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं देखता हूँ अगर होता है नहीं होता है तो वो फाइनली आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं है, बट ये जो प्रॉब्लम है पूरा आ रहा है सीपीयू से। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार दिखा देखता हूँ। देखो कनेक्ट किया, ये नहीं जला, इधर पे प्रेस करूँगा ये जल गया। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये डिस्प्ले आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँगा। ठीक है, बाय बाय। I'm floating through the air.